हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ ट्विन फ्लेम एनर्जी चेकिंग, और इस वीकेंड क्या है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस स्पिरिचुअल जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी। अगर आप मानते हैं कि आप एक डिवाइन मस्कुलिन है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप मानते हैं कि आप एक डिवाइन फेमिनिन है तो ये रीडिंग आपके लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे अब मैं आपको देने वाली हूँ इस जर्नी पे आपकी इस वक्त दोनों की सिचुएशन कहाँ है, कहाँ पे हैं, क्या क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, उनकी लाइफ में, देखते हैं किस स्टेज पे हैं और आपको क्या क्या काम करने की ज़रूरत है, और एंजल्स और गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसके अलावा आपको 3D और 5D मैसेजेस भी इस रीडिंग में मिलेंगे हमेशा की तरह। तो यहाँ पे हमने रखे हैं टैरो डेक, ओरेकल कार्ड्स भी हैं यहाँ पे। इन कार्ड्स के ही जरिए अब मैं आपके लिए रीडिंग देने वाली हूँ कि आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में अभी कहाँ हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको मैं रीडिंग में बताऊंगी डिवाइन मस्कुलिन की सिचुएशन, फिर हम डिवाइन फेमिनिन का चेक करेंगे। ऐसे ही हमारी रीडिंग आगे बढ़ती जाएगी, एक एक कार्ड मैं निकालती रहूँगी और आपको एक्सप्लेन करती रहूँगी कि क्या क्या चल रहा है इस हफ्ते, क्या गाइडेंस है। और इस वक्त मैं चक्रास के बारे में भी आपको गाइड करूँगी, आपके स्पिरिट गाइड के मैसेज, आपके एंजल के मैसेज क्या हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। और मैं ये डेक मैंने आपके सामने इसलिए रखे हैं ताकि रीडिंग एक्यूरेट मिले हमको, ठीक है, सिचुएशन हमको अच्छे से समझे। और जैसे ही आप, अगर कोई ऐसा स्पेशल कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी प्रे कर सकते हैं एंजल को, ताकि हम इस रीडिंग में मैं आपको बता पाऊँ, आपको गाइड कर पाऊँ आपकी सिचुएशन के हिसाब से। आप प्रे कर लीजिए इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ। मैं पहले आपकी सिचुएशन बताऊँगी, डिवाइन मस्कुलिन क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले हम डिवाइन मस्कुलिन के बारे में देखेंगे, कहाँ पे हैं वो इस जर्नी पर, कहाँ पे हैं वो इस जर्नी पर। डिवाइन मस्कुलिन अपनी इस जर्नी पर कहाँ हैं, डिवाइन मस्कुलिन अपनी इस जर्नी पर कहाँ हैं। चलिए, एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, नई शुरुआत का कार्ड होता है एस ऑफ स्वॉर्ड, और ये आया है रीडिंग में आपके लिए आपके डिवाइन मस्कुलिन की तरफ से, कि वो कुछ काम करने के बारे में सोच रहे हैं, एक्शन में आ रहे हैं। मुझे एक्शन दिखाई दे रहा है, ये एक्शन प्रिंसेस ऑफ कप, उनकी डिवाइन फेमिनिन की तरफ एक्शन लेते हुए मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है मस्कुलिन की। वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे कि थे पास्ट में, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन से वो अब बाहर आ रहे हैं, एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नए साइकिल में एंटर करने जा रहे हैं। इस वक्त उनका एक और रीबर्थ हो रहा है, मैं कह सकती हूँ। पहले जैसे थे अब वो वैसे नहीं रहेंगे, काफ़ी मैच्योरिटी उनकी मुझे उनकी तरफ से दिखाई दे रही है। टू ऑफ स्वॉर्ड, बट अभी भी देखिए वो किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, अभी भी वो पर्सन है उनकी लाइफ में, सिचुएशन है, तो वो दोनों को ही अभी हैंडल करने के बारे में सोच रहे हैं। इतना तो तय है कि वो आपको तो नहीं छोड़ना चाहते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे करंट सिचुएशन ऐसी ही दिख रही है कि पूरी तरह से अभी वो फ्री तो नहीं है। आप जिस भी पर्सन के बारे में देख रहे हैं आपके DM, उनकी लाइफ में अभी आपके अलावा उनकी फैमिली है यहाँ पे दिख रहा है, तो अभी वो आपके साथ भी चलना चाहते हैं और अपनी फैमिली के साथ भी चलना चाहते हैं। बट काफ़ी पॉजिटिव हैं, जैसे पहले पेन में थे, ये दुखी थे, ऐसा मुझे यहाँ पे एनर्जी फील नहीं हो पा रही है। समझ आ गया है उनको भी अपनी गलतियों का, गलतियां जो उन्होंने की हैं, अब वो उनको ठीक भी करेंगे। पहले जैसे डिवाइन फेमिनिन ही आप कई बार बोलते थे ना कि सारा काम हम ही क्यों करते हैं, मस्कुलिन क्यों नहीं करते हैं, देखिए अब मस्कुलिन के करने का टाइम आ गया है।
इस जर्नी पर। अब जो करेंगे इस लेशन के लिए वो करेंगे एफर्ट्स। डिवाइन फेमिनिन पहले क्या करती थी, अब टाइम आ गया है वो अपनी फेमिनिन के लिए एफर्ट्स लेंगे। यहाँ पे ये मुझे करंट एनर्जी समझ में आ रही है आपके डीएम की। अब मैं डीएफ का देखती हूँ, डीएफ की साइड क्या है, किंग ऑफ पेंटिकल। देखिए मास्कुलिन एनर्जी में दिख रही हैं आज की डिवाइन फेमिनिन, अपने करियर की तरफ ध्यान दे रही हैं, बट यस याद आती है डीएम की उनको। देखिए आप भी स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे डेथ का कार्ड है। एक कार्ड और निकाल लेते हैं डिवाइन फेमिनिन के लिए, द लॉर्ड कार्ड है। देखिए आप काफ़ी प्रैक्टिकल हो गए हैं, आपको भी समझ में आ गया है कि ये जो आपके पर्सन हैं ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप इतना कॉन्फिडेंस आपको हो गया है कि वो आपके हैं और आपके रहेंगे, तो किसी तरह की मुझे इनसिक्योरिटी आपके अंदर नज़र नहीं आ रही है। और आप भी, आपकी भी देखिए एक नई साइकिल शुरू होने वाली है, जैसे कि डीएम नई साइकिल में एंटर करने वाले हैं। अब एक नई जर्नी शुरू होने वाली है आपकी भी, अब एक नई जर्नी, नए स्ट्रगल, नए चैलेंजेस आपकी लाइफ में दिख रहे हैं। बट मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि जैसे डिवाइन फेमिनिन की साइड में किसी चीज़ का लॉस हुआ है, तो उस लॉस के बारे में अभी डिवाइन फेमिनिन सोच रही हैं और थोड़ी सी परेशान हैं कि कैसे होगा, ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। अभी जैसा कि अभी शायद आप किसी से ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, कोई भी हो, अकेले में रहना चाहते हैं और सिर्फ अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं। आपको अपने फ्यूचर के बारे में भी है, फाइनेंस के बारे में भी आप सोच रहे हो, जॉब और करियर के बारे में भी सोच रहे हो। उतना सेटिस्फेक्शन अभी आपकी लाइफ में नहीं आया है, आप अपने सपनों के बारे में सोच रहे हैं कि आपको अपने सपने किस तरह से पूरे करने हैं, उस चीज़ के बारे में थोड़ा सा स्ट्रेस मुझे अभी इस वक्त दिखाई दे रहा है। करियर को लेके है ये, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपके ऊपर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि उसको ठीक कैसे करें, आप इस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं। ये करंट सिचुएशन मुझे दोनों ही साइड से मिल रही है। कुछ फेयर इश्यूज़ मुझे फेमिनिन की साइड पे दिखाई दे रहे हैं, ये हो सकता है करियर फाइनेंस से रिलेटेड है, जो भी आपको इस वक्त फेयर इश्यूज़ परेशान कर रहे हैं। इसके लिए देखिए मैं गाइडेंस आपको दूंगी जब मैं चक्रा रीडिंग आपके लिए करूंगी। आज की इस रीडिंग में चक्रा रीडिंग भी होने वाली है। और सिचुएशन देखते हैं, करंट एनर्जी, करंट एनर्जी ये आपके लाइफ के बारे में, आप कहाँ कहाँ हैं वो तो देख लिया। अब मैं ये मैसेज लेना चाहती हूँ कि डीएम डीएफ के बारे में क्या सोचते हैं और डीएफ डीएम के बारे में क्या सोचते हैं, आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हैं। इमोशनल फ्रीडम, रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, लेकिन मैं इस कार्ड को अभी नहीं लूँगी, मैं अच्छे से शफल करूँगी फिर मैं आपके लिए इसमें से कार्ड निकालूँगी। चलिए डीएम देखते हैं, डीएम क्या सोच रहे हैं अपनी फेमिनिन के लिए। द गार्डन वेरी पॉजिटिव, जैसा कि मैंने बोला है कि वो चाहते हैं कि आपके साथ अब रिलेशन बना रहे, वो आपसे दूर बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं, बल्कि इस रिलेशन के लिए जो भी करना पड़े वो आपके लिए भी अब तैयार हैं। क्योंकि जैसे पहले वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते थे, अब उनके अंदर वो हिम्मत आ रही है कि नहीं कुछ भी हो जाए मुझे इसका साथ नहीं छोड़ना। ऐसे मस्कुलिन सोच रहे हैं, वाओ लव, अनकंडीशन लव में है बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, सिर्फ और सिर्फ वो अपने डिवाइन फेमिनिन को प्यार करना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है कि उनको एहसास है। उनकी लाइफ में अगर प्यार है तो वो आप हैं, आपके अलावा वो जगह उनकी ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता।
काफ़ी इस वक्त पॉजिटिव एनर्जी मुझे फील हो रही है, अनकंडीशनल लव की एनर्जी फील हो रही है इस वक्त। वो बिना किसी शर्त के, बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, सिर्फ और सिर्फ अपनी डिवाइन फेमिनिन से प्यार भरी बातें करना चाहते हैं, स्ट्रेस वाली बातें नहीं करना चाहते। अब मैं फेमिनिन का ये कार्ड निकालूंगी, फेमिनिन क्या सोच रही हैं डीएम के बारे में। देखिए, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक किए बिना मत जाइएगा, अभी लाइक कर सकते हैं मेरी इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रीडिंग का फ़ायदा ले सकें, गाइडेंस मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए। वाओ, देखिए ये जो कार्ड आ रहा है, अगेन आप भी अब शायद कहीं ना कहीं तैयार हो रहे हो सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए, डीएम के ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए। आप यहाँ पे मुझे रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हो कि अब आप भी थोड़ा सा टाइम तो अपने डीएम के साथ। गार्डनर का कार्ड आ रहा है, उधर गार्डन इधर गार्डनर। यहाँ भी देखिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मुझे नज़र आ रही है। आपको अभी गुस्सा नहीं आता होगा ऐसा नज़र आ रहा है अपने डीएम के लिए। आप भी इस रिलेशन पे ध्यान देने के लिए तैयार हो, आप भी इस रिलेशन के लिए चाहते हैं कि ग्रोथ हो, ये रिश्ता बना रहे, ये भी मुझे आपकी फीलिंग्स में नज़र आ रहा है। डीएम का डीएम की साइड पे आप यही सोच रहे हो यहाँ पे कि आपको भी इस रिलेशन को आगे चलाना है। बाकी आपको पॉजिटिव ही फील होता है कि आगे जाके इस रिश्ते में भी अच्छा रहेगा, और आप भी जैसे वो अनकंडीशनल लव में है वैसे आप भी मुझे अनकंडीशनल लव में यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स मुझे आ रही है, किसी तरह का पेन या रिग्रेशन मुझे आपकी तरफ नहीं दिखाई दे रहा है डीएम को लेके, क्योंकि ये सिर्फ डीएम के लिए मैं एनर्जी देख रही थी। तो डीएम को लेके और डीएफ और डीएम दोनों ही एक दूसरे को लेके काफ़ी पॉजिटिव हैं, और इस रिलेशन को आगे बढ़ाने के बारे में आप दोनों ही कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही सोच रहे हो। आपको किसी तरह का फियर या इश्यूज नहीं है, आपको एक दूसरे की प्रॉब्लम भी समझ में आ रही है, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ रहे हो, सिचुएशन को भी समझ रहे हो। जो गुस्सा गीला आपके मन में था वो काफ़ी हद तक हील हो चुका है डिवाइन फैमिली। अभी मैं और मैसेजेस निकालती हूँ सिचुएशन। डीएम डीएफ से क्या चाहते हैं, डीएम डीएफ से क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? स्टैंड योर ग्राउंड। देखिए वो तो चाहते हैं कि अब आप इस रिलेशन को समझें और एक्सेप्ट कर लें, सिचुएशन जैसी भी है उनको अपनी लाइफ का हिस्सा बनने दें, ये मैसेज आ रहा है। एक कार्ड और निकाल लेते हैं, और क्या चाहते हैं? डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड आ रहा है। एनवी मीन्स यहाँ पे यही दिखा रहे हैं कि आपको कुछ भी बातें छुपाने की ज़रूरत नहीं है, खुल के अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर दें। यहाँ पे ये आपके डीएम चाहते हैं आपसे, आप क्या चाहती हैं अपने डीएम से? देखिए अब आप भी इस पेन से बाहर तो आना चाहते हो, बट आपको अभी थोड़ा सा ये चीज़ है कि नहीं वो थर्ड पार्टी में है, ऐसा आपकी सोच हो सकती है, जिस वजह से अभी आप कमिटमेंट के लिए आप भी अब नहीं उनको कुछ फोर्स करना चाहते हैं। बट ये ज़रूर उनको, उनके लिए आप चाहते हैं कि हाँ थर्ड पार्टी है, तो थोड़ा सा आपको दूरी रखनी पड़ेगी उनसे। आपका मानना ये है, हमारी डीएम का मानना ये है, ट्रैप्ड इन फियर, मैंने बोला था पहले भी क्योंकि फियर इश्यूज हैं। ये कार्ड आ रहा है डिवाइन फेमिनिन की साइड से। तो डीएम तो ये सॉरी हमारी जो डीएफ है तो वो तो ये जानती हैं कि अभी कमिटमेंट का टाइम नहीं आया है, क्योंकि अभी थर्ड पार्टी की वजह से डीएफ थोड़ा सा बाउंड्रीज चाहती है कि ज़रूरत से ज़्यादा क्लोज आना ठीक नहीं होगा,
थोड़ा सा लिमिट में रहना चाहती हैं, क्योंकि डीएफ अब पुरानी सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहती हैं। काफ़ी हद तक, काफ़ी मेहनत करके उन्होंने जिस तरह से खुद को संभाला है, वो चाहती हैं कि एक लिमिट में ये रिलेशन रहे, जिसकी वजह से ना तो उनको कोई परेशानी हो, ना डीएम को, ना ही किसी और को। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि इस वजह से कि एक लिमिट में ही वो अब ये रिलेशन रखना चाहती हैं, ज़्यादा ओपन नहीं हो रही हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का इश्यूज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थ्री डी मैसेजेस क्या है? थ्री डी मैसेजेस, पहले मैं डीएम का देना चाहती हूँ डिवाइन फेमिनिन को। थ्री डी मैसेज क्या है? केमिस्ट्री, ये हमारा, देखिए वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। थ्री डी मैसेज यही है कि उनको अपने आप ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनकी जो भी फीलिंग्स हैं वो आपको खुल के बताते हैं। आप उनको हेल्दी बाउंड्रीज में रखना चाहते हो, एक लिमिटेशन रखना चाहते हो इस रिलेशन में, कि हाँ इस हद तक बात करनी है, इस हद तक बात नहीं करनी है। फिजिकली जैसा कि मैं देखती हूँ कि जिस तरह से डीएम ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं डिवाइन फेमिनिन की तरफ से एक्चुअली, तो अभी वो एक लिमिट डिवाइन फेमिनिन दे रही है। तो बट आपके जो डीएम है थ्री डी में, कहना चाहते हैं कि वो ये जो फीलिंग्स उनकी आती हैं अपनी डीएफ के लिए, वो कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, ये चीज़ें अपने आप ही उनसे होती हैं। तो ये मैसेज जा रहा है थ्री डी। अभी मैं डीएफ का मैसेज देती हूँ डीएम के लिए। डीएफ का थ्री डी सेल्फ क्या कहना चाहता है डीएम को? रिलीजियस फैक्टर, देखिए ऐसा दिख रहा है कि अभी आपको, कुछ लोगों के लिए तो मैं कह सकती हूँ आप दोनों का रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, बट कुछ लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप थ्री डी में भी कोई रोमांटिक मैसेज नहीं दे रही हैं इस वक्त अपने डीएम को, क्योंकि आप किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं चाहती कि उनके स्पिरिचुअल पाथ पे, उनकी ऐसी फीलिंग की वजह से आपके स्पिरिचुअल पाथ पे रुकावट आए। तो आप अड़िग हैं अपने इस सिचुएशन को या इस फैसले को लेके कि आपको इस तरह की बातों का जवाब नहीं देना है। तो डीएफ तो देखिए स्ट्रिक्ट है, आप अगर ज़्यादा सेक्सुअली टॉक करना चाहते हैं, डीएफ इसके लिए रेडी नहीं है। थ्री डी सेल्फ का मैसेज आ रहा है, क्योंकि ऐसा करने से उनके स्पिरिचुअल पाथ पे रुकावट आ सकती है, ऐसा सोचना है इस वक्त डिवाइन फेमिनिन का। थ्री डी मैसेजेस यही आ रहे हैं। मैं फाइव डी मैसेज देख लेती हूँ एक दूसरे के। फाइव डी मैसेज क्या है डीएम का? फाइव डी हायर सेल्फ का मैसेज क्या है? हायर सेल्फ का मैसेज, हायर सेल्फ का मैसेज क्या है? फाइव डी मैसेज क्या है डीएफ के लिए? डीएम क्या कहना चाहते हैं? डीएम का हायर सेल्फ डीएफ को क्या कहना चाहते हैं? एम्पैथी का कार्ड है। यू फील एंड अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ अनदर इन द सर्विस ऑफ लव। देखिए काफ़ी पॉजिटिव मैसेज आ रहा है आपके डीएम का। हायर सेल्फ आपको यही कहना चाहते हैं कि आपको दूसरों के इमोशंस की बहुत ज़्यादा परवाह है, आप हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, किसी का भी बुरा नहीं सोचते हैं। ये मैसेज आ रहा है कि वो कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करते हैं कि आप एक बहुत अच्छी सोल है, हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, दूसरों के इमोशंस को समझते हैं, फील करते हैं दूसरों के दर्द को। आपने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से हायर सेल्फ बहुत खुश है। आपके डीएम का हायर सेल्फ कम्प्लीटली सेटिस्फाइड है जो भी आपने सर्विस
इन दिनों इस नेचर के लिए, मदर अर्थ के लिए जो की हैं, तो इसके लिए वो बहुत खुश हैं, ग्लैड है। आपने कोई अच्छे काम किए होंगे जिस वजह से आपके डीएम का हायर सेल्फ खुश है। अब मैं देखती हूँ डीएफ का हायर सेल्फ क्या मैसेज देता है डीएम को। डीएफ का हायर सेल्फ का मैसेज क्या है फॉर द डीएम? डीएफ के हायर सेल्फ का मैसेज क्या है फॉर द डीएम? डीएफ के हायर सेल्फ का मैसेज क्या है? पीसफुलनेस। देखिए, आप चाहते हैं कि शांति बनाए रखो, किसी भी चीज़ को लेके ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है, मिलने को भी लेके अभी आप कंट्रोल रखो, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखें, पीसफुल रहें। जो शांति का ही मैसेज दिया जा रहा है कि आप अपनी काइंडनेस को बैलेंस बना के रखें और कामनेस, अपनी सोल को कामनेस करें। कामनेस की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है। आप अपनी सोल को भी अंदर से देखो, कोशिश करो समझने की कि आपकी सोल क्या ट्रिगर कर रही है आपको, क्योंकि हो सकता है सोल लेवल पे कोई ना कोई अभी भी ब्लॉकेज है आप में, इसलिए आपको पीसफुलनेस की गाइडेंस दी जा रही है आपकी डीएफ के हायर सेल्फ की तरफ से कि अशांत मत हो किसी भी चीज़ को लेके। अब भी हो जाए, इस वक्त ही हो जाए, अगर आप इम्पेशेंट हो रहे हैं तो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, थोड़ा सा स्पेस देके चलो। अभी किसी भी तरह का कंट्रोलिंग नेचर सही नहीं होगा कि हाँ डीएफ अभी बात करे और वैसे ही बात करे जैसा कि आप चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे संयम और शांति बना के रखने की ज़रूरत है। ये मैसेज जा रहा है डीएफ की हायर सेल्फ की तरफ से। गाइड के मैसेज अब मैं देखना चाहूँगी आपके लिए, गाइड के मैसेज क्या है। डीएम के लिए गाइड का मैसेज क्या है? आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या कहना चाहते हैं? डीएम को क्या कहना चाहते हैं? डीएम के लिए गाइड का मैसेज क्या है? लेट गो ऑफ ईगो। देखिए, कंट्रोलिंग नेचर है कि डीएफ तो वैसे ही होनी चाहिए जैसा कि आप चाहते हैं, अगर आपका मन है तो वैसे ही बातें होने लगे, तो थोड़ा सा अपने ईगो के ऊपर भी कंट्रोल करना है। अगर आपके आसपास के लोगों के साथ भी अभी भी आप ईगो सेपरेट करते हैं, चाहे वो डीएफ है चाहे कोई और भी है, तो यहाँ पे अपने ईगो के ऊपर काम करने की ज़रूरत है डीएम को। डीएफ के लिए गाइड का मैसेज क्या है? डीएफ के लिए गाइड का मैसेज क्या है? डीएफ के लिए गाइड का मैसेज क्या है? आपके गाइड आपको क्या कहना चाहते हैं? मेक ईच डे काउंट। देखिए, आपको भी फ्लो के साथ ही चलना है, सब कुछ अच्छा हो रहा है और एक और मैसेज आ रहा है तो मेरा ध्यान पड़ा, तो मैं डीएफ को ये मैसेज ज़रूर देना चाहती हूँ कि एवरीवन हैज़ अ वैल्यू। घर परिवार जो भी आपको तंग कर रहे हैं, जो भी आपको खुश रख रहे हैं, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। आप जुद के साथ अच्छे से डील करेंगे, चाहे आपके कार्मिक है, चाहे आपके सोलमेट है, चाहे आपके ट्विन फ्लेम है, चाहे कोई अनजान आदमी ही क्यों ना हो, कोई पर्सन ही क्यों ना हो, कोई इंसान क्यों ना हो, आपको आप जितना नेकी कर रहे हैं, जितना अच्छा सोच रहे हैं, आपकी हर एक चीज़ को नोटिस किया जा रहा है। ये मैसेज आ रहा है आपके गाइड की तरफ से। और यस, पॉजिटिव सोचते रहें, उतना दोनों के लिए ही अच्छा है। ये आपके गाइड के मैसेज हैं, यहाँ पे और मैसेज क्या आ रहा है डीएम के लिए? योर लाइफ इज इन्हांस्ड बाई योगा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। देखिए डीएम, अगर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है बाहर से शुरू हो रहा है तो, बट कहीं ना कहीं देखिए एक्सरसाइज के लिए बोला जा रहा है डीएम को भी, कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए अपनी फिटनेस के लिए, अच्छा रहने के लिए। ये मैसेज आ रहा है, हेल्दी डाइट लेने की ज़रूरत है डीएम को, और कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं ताकि फिट रहें। प्रैक्टिस, देखिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोला जा रहा है। ये जो टाइम है, आप जो भी काम कर रहे हैं उसके ऊपर और ज़्यादा काम करें। अगर आप हीलिंग भी कर रहे हैं, जस से भी जुड़ रहे हैं, अभी टाइम है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप
अपने स्किल को और ज़्यादा पॉलिश कर सके। रेगुलर प्रैक्टिस आप लोगों के लिए ज़रूरी है, किसी भी जो भी आप कर रहे हैं, रूटीन का आपका काम है, हीलिंग से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं या अपनी मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपको ये चीज़ डेली करते रहना है और प्रैक्टिस करते रहना है। ये मैसेज भी गाइड की तरफ से आ रहे हैं आपके लिए। एंजल मैसेज क्या है, मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड आ रहा है डीएम के साइड में। आपके जो भी सपने हैं, जो भी गोल हैं, विज़न हैं, वो सच होने जा रहे हैं। आपको अपने गोल और विज़न के ऊपर फोकस रहना चाहिए, बिल्कुल भी अपने लक्ष्य से अभी ना भटकें, क्योंकि वो आप जो चाहेंगे अभी वो बहुत जल्दी ही आपको मिलने वाला है। लाइट एक्टिवेशन, यहाँ पर शायद दो कार्ड हैं हमारी डीएफ के लिए। ये मैसेज आपके लिए आ रहा है कि आपको और ज़्यादा ब्राइट करना है, आप अपने ऑरा को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो और ज़्यादा प्रोटेक्ट रहें, क्योंकि यहाँ पे आपको जो इंटरनल गाइडेंस आपको मिल रही है, जो आप सुन पा रहे हैं, या कोई आवाज़ आपको आती है, अपने अंदर से कोई आवाज़ आती है, आपके सोल, आपकी इनर वॉइस है, उसको फॉलो करना है आपको और आगे चलता है। असेंशन का टाइम है, डिवाइन फेमिनिन, देखिए आपको अब अपने ट्रू सेल्फ में रहना है। आप जैसे हैं वैसे बन के रहें, फेक होने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहें ज़रूर, क्योंकि अब आप डार्कनेस से जा रहे हैं लाइट की तरफ, आप आगे बढ़ रही हैं डार्कनेस से लाइट की तरफ। ये आपके एंजल के मैसेज आ रहे हैं। चक्रास के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस दे रहे हैं एंजल्स हमारे डीएम और डीएफ को। पहले मैं डीएम के लिए मैसेज निकालना चाहती हूँ, क्या गाइडेंस है हमारे डीएम के लिए, चक्र से रिलेटेड क्या गाइडेंस है। इनर चाइल्ड, देखिए ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कोई इश्यूज अभी भी यहाँ पे हैं, जो हमारे डीएम हैं, हो सकता है बचपन में उनको मम्मी पापा का प्यार ना मिला हो, अपने पेरेंट्स से प्यार ना मिला हो, तो यहाँ पे अपने इनर चाइल्ड को हील करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसे करें कि जो आपको अच्छा लगे, अपने इनर चाइल्ड को हील करने की ज़रूरत है आपको। अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होने की कोशिश करें, मेडिटेशन में कनेक्ट होने की कोशिश करें, अपने उस सेल्फ को देखें जहाँ पे आपको वो पेन हुआ था, और विजुलाइज करें कि वो पेन अब जा रहा है, अब वो आपका जो इनर चाइल्ड है वो अब पीस में है, खुश है, अब उन्होंने भी अपनी पास की चीज़ को लेट गो कर दिया है। इस तरह से विजुलाइज करो कि इनर चाइल्ड ने लेट गो कर दिया है, अब वो बहुत शांति में है, सुकून में है। इस तरह से आप मेडिटेशन करके अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकते हैं। बचपन की उस याद में जाओ, उस वक्त पे जाओ जहाँ पे आपको वो प्रॉब्लम हुई थी, क्या क्या थी चीज़ें जो आपके दिल में लगी थी और वो दर्द बन के आज भी आपके अंदर हैं, आपको वो टाइम फिर से फेस करना है। विजुलाइज करें, और ये भी विजुलाइज करें कि अब वो चीज़ें सब ठीक हो रही हैं। इस तरह से आप अपना इनर चाइल्ड हील कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी लेके आने की ज़रूरत है। देखिए अकड़ू बिहेवियर तो नहीं चलेगा, आपको पहले भी बोला है कि ईगो के ऊपर आपको काम करना है, और फ्लेक्सिबिलिटी लेके आनी है कि एडजस्ट करके चलने की कोशिश करें सबके साथ। अपने हार्ट चक्र, सैक्रल चक्र के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। ज़रूरत है इमोशनल हीलिंग की, रिलेशनशिप के साथ देखिए फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है डीएम को। और मैं मैसेज देती हूँ, मांगती हूँ आप गाइडेंस डीएफ के लिए। डीएफ के लिए क्रिएटिविटी, देखिए आपके लिए भी सैक्रल चक्र के ऊपर काम करना है, आपको क्रिएटिविटी लेके आएं ताकि आप आइडिया लगा पाएं कि आपको कब क्या करना है। सैक्रल चक्र का यहाँ पे देखिए कार्ड है सोल हीलिंग, ये होता है यहाँ
यहाँ पे देखिए सोल हीलिंग, ये आपके सोल स्टार चक्र से रिलेटेड है, जो क्राउन चक्र से भी ऊपर होता है, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होके देखिए आपको पूरी तरह से गाइडेंस दी जा रही है। आपको इस वक्त ये जो टाइम आपका चल रहा है हमारी डिवाइन फेमिनिन का, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है। सोल हीलिंग चल रही है उनकी, इमोशनल, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल हीलिंग के साथ साथ आपकी कर्मा हीलिंग भी चल रही है, और आप डिवाइन से और ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। तो आप इस वक्त सोल लेवल तक हील हो रहे हैं। तो अपने साथ आपको थोड़ा सा काइंडनेस दिखानी है, दूसरों के साथ भी दिखाइए और खुद के साथ भी रहिए। और अगर आपको थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज अभी लग रहे हों, तो थोड़ा रेस्ट कीजिए। इस वक्त आपकी सोल को रेस्ट की ही ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे सोल हीलिंग का, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि सोल हीलिंग हो रही है, तो कुछ चेंजेस आपकी बॉडी में आपको फील होंगे, इस तरह के चेंजेस। आपको पेन भी हो सकता है, तो रिलैक्स रहना है, अपने साथ काइंड रखें। कभी गुस्सा, एंग्जाइटी भी हो सकती है, ये सब पार्ट है हीलिंग का। किसी भी तरह का आपको नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि यहाँ पे सोल हीलिंग का आपके ऊपर काम हो रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है आपका, सोल स्टार चक्र आपका एक्टिवेट हो रहा है, आप अपनी सोल से अच्छे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। चलिए एक और लास्ट मैसेज देती हूँ आपके लिए गाइडेंस, उसके बाद ये रीडिंग हमारी डन होती है। लाइक कर दीजिएगा इस मेरी इस रीडिंग को। और बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी का यहाँ पे कार्ड आ रहा है हमारी डीएम की साइड पे, कि आपको भी अब देखिए स्पिरिचुअली वो बैलेंस बना रहे होंगे, वो भी स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, सोच रहे हैं। चुपचाप देखिए डीएम जो होते हैं वो छुपे रुस्तम होते हैं, उनका भी देखिए स्पिरिचुअलिटी और यहाँ पे देख रही हूँ कि बैलेंस बना के चल रहे हैं। एंड हमारी डीएफ की साइड आ रहा है शो द वर्ल्ड द रियल यू। अब टाइम आ गया है कि आप इस दुनिया को दिखाएं कि आप एक्चुअल में हो क्या, अपनी रियल इमेज लेके आओ। जैसे हैं आप वैसे रहो, अच्छे हैं, अच्छाई को भी एक्सेप्ट करो, आपके अंदर बुराई है, बुराई की भी आप बुराई को भी एक्सेप्ट करो। अगर कुछ लगता है आपको कि नहीं ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर खुद ही काम करेंगे ईमानदारी के साथ। तो ये है रीडिंग ट्विन फ्लेम्स के लिए। होप गाइस आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपको आगे भी देती रहूँ। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।